हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा भाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी, मतलब भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले हर एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। राइट स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थापित है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी जयपुर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नागपुर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों नागपुर। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थापित है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नागपुर। क्वेश्चन नंबर टू, इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी ओडम, ऑप्शन सी टर्क एवं बीट्स, ऑप्शन डी अल्फ्रेड हेटनर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा टर्क एवं बीट्स। मतलब क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देगा, इकोलॉजी सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा टर्क एवं बीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना वेव एनर्जी प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थापित की गई है? भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना वेव एनर्जी प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थापित की गई है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी विजिन जाम, ऑप्शन सी कारवार और ऑप्शन डी धारवाड़। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा विजिन जाम। विजिन जाम यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कह रहा है भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना वेव एनर्जी प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा विजिन जाम। क्वेश्चन नंबर चार, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मतलब भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी दिसपुर में, ऑप्शन सी देहरादून में, ऑप्शन डी भोपाल में। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून में। क्या हो जाएगा? देहरादून में। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं, अगर आप भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी दिसपुर में, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी भोपाल में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा देहरादून में यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन ए वनों का बड़ी मात्रा में विदोहन, ऑप्शन बी वायु द्वारा मृदा का अपगमन, ऑप्शन सी सरता अपरदन, ऑप्शन डी जलवायिक दशाएं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वनों का बड़ी मात्रा में विदोहन। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, कह रहा है कि भारत में मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वनों की बड़ी मात्रा में विदोहन। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा, और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना।